हेलो डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन कक्षा दसवीं का व्यवसाय अध्ययन हिंदी मीडियम में। इसके पहले भी मैंने इस व्यवसाय अध्ययन का एक और सेट जारी किया था, जब छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल ने मॉडल क्वेश्चन पेपर जब अपलोड नहीं किया था उसके पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो ये ए और बी का दो सेट है, तो जल्दी जल्दी करा देते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से कौन सा आजीविका का माध्यम नहीं है, क्या है? बहुत सारे सब्जेक्ट है दोस्तों, इसी वजह से कुछ कुछ विषय जो है छूट गया है ना। बारहवीं के भी एक दो सब्जेक्ट छूट गए हैं और दसवीं के भी, है ना। बाकी के सब आपको ABC मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा आजीविका का माध्यम नहीं है, तो प्रातः सैर करना, ठीक है। निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेड कलर में आंसर लिखा हुआ है। इस व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें व्यापारी को अधिक मात्रा में माल का विक्रय किया जाता है, इसको फुटकर व्यापार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता विज्ञापन की नहीं है, तो रेड कलर में आंसर लिखा हुआ है, ब है, संचार का भुगतान किया हुआ स्वरूप। एका स्वामित्व किस सीमाओं में सम्मिलित नहीं है, तो सा आएगा इसका आंसर, असीमित आकार तीसरा वाला। पहाड़ी इलाकों में और पहाड़ों पर उपयुक्त परिवहन साधन कौन सा है, तो ये सड़क परिवहन आएगा। एक उद्यमी का गुण क्या होता है, एक उद्यमी का गुण पहल करना होता है, ऑप्शन आ। व्यक्तिक विक्रय का मुख्य तत्व क्या है, तो इसका ऑप्शन है ब, परस्पर वार्तालाप। इसके बाद खाली स्थान में आते हैं। वाणिज्य मुख्य रूप से किससे संबंध है, व्यवसाय से। संयुक्त हिंदू परिवार अविभाजित परिवार के सदस्यों को क्या कहते हैं, सहभागी। भारतीय खाद्य निगम में आंसर आएगा सरकारी। डाकघर व्यापारिक संगठनों को पोस्ट का व्यापार होता है। विक्रय एवं दोनों का प्रयोग साथ साथ होता है, क्रय। सत्य सत्य पहला वाला कथन असत्य है। जल परिवहन का अत्यधिक तीव्र साधन है। भंडार गृहों का मूल काम है वस्तुओं का भंडारण, सत्य है। संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश का होना हमेशा जरूरी है, असत्य है। समुद्र में जोखिमों से रक्षा के लिए जहाज का बीमा कराया जाता है, सत्य है। थोक विक्रेता सीधे फुटकर विक्रेताओं का क्रय कर ग्राहक को बेचते हैं, सत्य है। विभिन्न विभागीय माध्यम से विभागीय भंडार के मालिक और ग्राहकों से संपर्क होता है, सत्य है। सातवां सत्य है। प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर 13 तक लघु उत्तर तीन दो नंबर के सवाल हैं। आर्थिक क्रिया और आर्थिक क्रिया के दो उदाहरण लिखिए, तो आर्थिक क्रिया जिसमें हमको जब काम करने के बाद पैसा मिलता है, धन प्राप्त होता है, तब उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कारखाने में जब हम काम करते हैं तो धन लाभ होता है, शिक्षक एक जब पढ़ाता है तो उसको धन प्राप्त होता है। व्यवसाय शब्द को परिभाषित करें, तो व्यवसाय का अर्थ जो है ऐसा धंधा है जिसमें धन के बदले वस्तु सेवाओं का उत्पादन विक्रय किया जाता है, ठीक है। एकल स्वामित्व होने वाले व्यवसाय संगठन से क्या अभिप्राय है, तो एकल स्वामित्व व्यापार संगठन जिसमें एक ही व्यक्ति स्वामी होता है, यानी ऐसा व्यापार जिसका मालिक एक ही होता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ बताइए, ऐसी कंपनियां जो अपने व्यवसाय अपना सम्मेलन वाले देश के साथ साथ एक से अधिक अन्य देशों से भी करता है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी मीन्स होता है एक देश के साथ साथ दूसरे देश के साथ भी व्यापार करता है। परिवहन से क्या समझते हैं, तो परिवहन का अर्थ उन गतिविधियों से जिनके अंतर्गत सामान और व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। व्यावसायिक संप्रेषण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मध्य विचारों सूचनाओं अथवा तथ्यों का आदान प्रदान होता है, तब ये व्यावसायिक संप्रेषण कहलाता है। प्रश्न 8 है, डाक सेवाओं में पिन का क्या उद्देश्य पूरा करता है। इसके बाद है प्रश्न 9, किसी उत्पाद के विक्रय में कौन कौन सी क्रिया सम्मिलित है, तो पूछताछ है, निर्ख है, आदेश है, बीजक तैयार करना, ग्राहकों का खाता खोलना आदि। प्रश्न 10 है, वितरण माध्यम से आप क्या समझते हैं। इसके बाद प्रश्न 11 है, इंटरनेट फुटकर व्यापार से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 12, किस विज्ञापन माध्यम का दृश्य श्रव्य प्रभाव अधिक पड़ता है, तो टेलीविजन, है ना। स्वरोजगार का क्या अर्थ है, अपनी जीविका कमाने के लिए स्वयं किसी आर्थिक क्रिया को करना स्वरोजगार कहलाता है। जहाजी बीमा किसे कहते हैं, तो समुद्री यात्रा के दौरान समुद्र में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण जो जोखिम हो जाता है, या जहाज डूब जाता है या नष्ट हो जाता है, तब उसका एक बीमा कराया जाता है ना। थोक विक्रेता के किन्हीं तीन कार्य लिखे, तो सबसे पहले वे वस्तुओं को एकत्रित करता है, दूसरा है मूल्य निश्चित करता है, संग्रहण करता है, ठीक। उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा पारित किन्हीं तीन अधिनियम के नाम बताइए,
तो तीन अधिनियम है। पहला कृषि उत्पाद श्रेणीकरण, दूसरा है औद्योगिक विकास नियमन, और तीसरा है खाद्य पदार्थ मिलावट रोकथाम अधिनियम 1954। उपभोक्ता संरक्षण का क्या अर्थ होता है? तो व्यापार से जुड़ी अनियमितताओं आम उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए उठाए जाने वाला आवश्यक उपाय ये संरक्षण कहलाता है। लिपिक के कार्य की आवश्यक निपुणताओं को लिखिए। तो लिपिक एक ऐसा पद होता है जिसमें नियुक्त व्यक्ति जो है लेखे जोखे का काम करता है। एक सफल उद्यमी की तीन विशेषता लिखिए। तो सफल उद्यमी जो है एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है तथा उसके पास नवीन खोज करने की क्षमता होती है। एक उद्यमी दूसरे व्यक्ति के लिए भी रोजगार का अवसर प्रदान करता है। उद्यमी मीन्स होता है बिजनेसमैन, ठीक है? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को समझते नहीं हैं और बोलते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं आया था, है ना? तो देखिए क्वेश्चन को बदल बदल कर दिया जाता है। एक उद्यमी है ना, एक व्यापारी है ना, कि क्या क्या गुण होने चाहिए। व्यवसाय के किन्हीं चार आर्थिक उद्देश्य बताइए। व्यवसाय हो गया, व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया, इसके चार आर्थिक उद्देश्य बताना है। तो प्रॉफिट अर्निंग है, दूसरा है ग्राहक का निर्माण करना, तीसरा है नियमित नवाचार, चौथा डी है संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। इसके अथवा में है वायु प्रदूषण के किन्हीं चार प्रभाव को समझाइए। तो अब वायु प्रदूषण के बारे में आप तो कुछ भी फेंक के लिए भी लिख सकते हैं। वायु प्रदूषण से जो है श्वास रोग होता है, अनेक प्रकार के चर्म रोग हो जाते हैं, ठीक है, लीवर में परेशानी होती है, अनेक प्रकार की बीमारियां होती है ना। और वायु प्रदूषण से सर्दियों में कोहरा छा जाता है जिसके कारण हमको आने जाने में परेशानी भी होती है, ठीक है, ऐसे सब कारण को लिखना है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की चार विशेषता लिखिए। तो इसके चार विशेषता निम्नलिखित है। जन्म से सदस्यता, जो हमारा हिंदू संयुक्त परिवार होता है वो परिवार के एक सदस्य कहलाते हैं। दायित्व, सबका कर्ता का एक दायित्व होता है बुजुर्ग का। इसके बाद प्रबंध, आवश्यक अवयस्क सदस्य। साझेदारी संगठन की चार विशेषता लिखना है। तो इसमें पहला है दो या दो अधिक सदस्य हो सकते हैं, अनुबंध होता है, ठीक है। चौथा है वैध व्यवसाय होता है। पांचवा लाभ विभाजन। जल प्रदूषण के चार लाभ लिखिए। तो जल परिवहन है दोस्तों, जल परिवहन के चार लाभ, ठीक है। तो ये चार लाभ निम्नलिखित है। इसके बाद निजी और सार्वजनिक भंडार गृह में चार अंतर। तो ये भंडार गृह जो है गोदाम जो होता है, आप सामान्य भाषा में समझा देता हूँ, गोदाम जहाँ पर आलू प्याज है, धान है ना, गेहूँ है, को सुरक्षित रखा जाता है। आपने देखा होगा है ना, अपने आसपास में बहुत बड़ा बड़ा कारखाने होते हैं या सरकारी भी होता है। तो निजी यानी प्राइवेट होता है और सार्वजनिक यानी कि सभी के लिए उपयोगी होता है। व्यवसाय में संप्रेषण का कोई चार महत्व को लिखे। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, है ना, सबको समझाना संभव है क्योंकि मैं सिर्फ 10 से 12 मिनट का ही वीडियो बनाता हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने पर जो है छात्र उसको देखते नहीं हैं, है ना, इस वजह से। लेकिन बहुत से छात्र देखते भी हैं क्योंकि उनको समझना भी होता है। अंतरदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय मेल में चार अंतर। तो अंतरदेशी डाक वह है जिसमें पत्र भेजने वाला और पाने वाला दोनों एक ही देश में रहते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मेल जो है अलग अलग देश के होते हैं, ठीक। प्रश्न 24 है, 5 नंबर का सवाल। एक वाणिज्यिक बैंक के द्वितीयक कार्य को समझाइए। तो ये निम्नलिखित कार्य है दोस्तों, देख लीजिए। ग्राहकों को विदेशी मुद्रा देना, साख पत्र, ट्रैवलर्स चार्ज, चेक आदि प्रदान करना। बीमा का महत्व समझाइए। तो बीमा का महत्व है, नोट कर लीजिए। इसके बाद है विभागीय भंडार की पांच विशेषता लिखिए। तो बहुत सरल है, देख लीजिए। अनेक विभाग होते हैं, सभी दुकान एक ही भवन में खोली जाती है ना, एक ही स्वामी होता है, ठीक है, सारी बातों को लिखना है। विभागीय भंडार और श्रृंखलाबद्ध दुकानों में पांच अंतर। तो ये पांच अंतर लिख दिया हूँ, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 26 और 27 लास्ट है, व्यक्तिक विक्रय क्या है, इसके चार आवश्यक तत्वों को समझाइए। तो परस्पर क्रिया, प्रेरित करना, लचीलापन, पॉइंट पॉइंट को बस बोलते जा रहा हूँ मैं, विक्रय संवर्धन, इसके चार पॉइंट है। विज्ञापन के माध्यम का अर्थ क्या है, विज्ञापन के माध्यम का चार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को समझाइए। तो यहाँ पर विज्ञापन का अर्थ जो है वस्तु प्रोडक्ट जो होता है, जैसे फेयर एंड लवली है ना, इसका प्रचार करते हैं, कोको कोला, थम्सअप है, इसमें टीवी में आपने ऐड देखा होगा या यूट्यूब में भी आप ऐड देखते हैं, विज्ञापन, यही विज्ञापन है दोस्तों, बस सरल है, आप लिख सकते हो। तो रेडियो विज्ञापन हो गया, टेलीविज़न का विज्ञापन हो गया, इंटरनेट के माध्यम से विज्ञापन हो गया, ये सारे विज्ञापन को आपको लिख देना है। उपभोक्ता के किन्हीं छह अधिकार को समझाइए। तो सुरक्षा का अधिकार होता है ना,
दूसरा है सूचना पाने का अधिकार, तीसरा है चयन का अधिकार, चौथा सुनवाई का अधिकार, निवारण का अधिकार। उपभोक्ता को दिन प्रतिदिन आने वाली विभिन्न समस्या को लिखिए। तो आप देखे होंगे मिलावट की समस्या सबसे बड़ी है, नकली चीज़ों की बिक्री हो रही है ना, नाप तौल में कमी कर दिया जाता है ना, जाली माल की बिक्री, जमाखोरी और कालाबाजारी। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए, और सारे विषय का अपलोड हो चुका है, 10वीं का आप सभी देखें।